नीतीश तेजस्वी सरकार हिली, सीबीआई को सीक्रेट डिटेल मिली। तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। जैसी करनी वैसी भरनी। भतीजे की चाह में बहुत काटे हैं चाचा की राह में। किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई? डर गए हैं लोग, नया सरकार बना है। इसमें डरने डराने की कौन सी बात, कानून अपना काम करता है। ईडी सीबीआई खड़ी द्वार, कैसे चलेगी नीतीश सरकार? नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं, मैं रुमाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। बिहार में तेजस्वी यादव के समर्थन से बनी नई नीतीश सरकार, इस सरकार को बने 14 दिन हुए और 14वें दिन तेजस्वी की पार्टी के 7 नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़े। यहां तक कि खुद तेजस्वी यादव के ठिकाने भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो इंडिया चाहता है में आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सीबीआई को क्या सीक्रेट डिटेल्स मिली है जिससे नीतीश तेजस्वी की सरकार हिली है। शो में आज सवाल मैं ये उठाऊंगी कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए 20 करोड़ के ऑफर का आरोप आम आदमी पार्टी लगाएगी लेकिन सबूत नहीं दिखाएगी, आखिर क्यों? और आप ये भी देखेंगे कि झारखंड में ईडी के छापे में खनन की फाइलें नहीं बल्कि AK-47 राइफल्स मिली, आखिर कहां से आई है? तो शुरुआत करेंगे बिहार से। आज नीतीश कुमार की सरकार का फ्लोर टेस्ट था लेकिन इस फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई की रेड पड़ गई। रेड पड़ी तेजस्वी यादव पर, उनके करीबी नेताओं पर। तो हमारा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव समेत आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई छापे से क्या नीतीश सरकार का चलना मुश्किल हो सकता है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABPNews पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया लेकिन तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर सीबीआई के छापे के बाद उन्हें जनता का विश्वास जीतना होगा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन वाले घोटाले की फाइल सीबीआई ने फिर से खोल दी है। आज दिल्ली से लेकर गुड़गांव से लेकर पटना मधुबनी तक आरजेडी के तमाम नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़े हैं। तो इन सब से क्या नीतीश कुमार की राह मुश्किल हो सकती है, समझने के लिए देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में 10 अगस्त को तख्त बदला, ताज बदला और अब ठीक 2 हफ्ते बाद नए ताज वाले पर सीबीआई के छापे पड़ गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और उनके करीबियों के ठिकाने पर दे दनादन छापे पड़ने शुरू हो गए। कुल 24 ठिकानों पर सीबीआई ने आज रेड डाली। दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, कटिहार, मधुबनी, हर जगह सीबीआई की टीम छापे डालने लगी। गुरुग्राम के सेक्टर 71 वाले तेजस्वी यादव के अर्बन क्यूबस मॉल पर छापा पड़ा। गुरुग्राम में ही सेक्टर 65 में व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर रेड पड़ी। सेक्टर 65 के वर्ल्ड मार्क बिल्डिंग में है इस कंपनी का दफ्तर जिसे तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है लेकिन विधानसभा में तेजस्वी ने कहा कि गुरुग्राम में उनका कोई मॉल नहीं है। ना मेरा लेना देना, ये कहां से कौन मेरा मॉल भी बना दिया और छापे भी पड़वा रहे हैं। ये लोग डरपोक लोग हैं और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। और कुछ आरजेडी अपने दूसरे सबसे बड़े नेता के ठिकानों पर सीबीआई के छापे को सियासी छापा मान रही है और बीजेपी कह रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से,
आज विश्वास मत का दिन। क्या नजीर पेश कर रहे, अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और अब तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। छापे तेजस्वी यादव के ठिकाने पर पड़े। छापे आरजेडी के कोषाध्यक्ष, बिस्कोमान के अध्यक्ष और लालू परिवार के करीबी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर पड़े। छापे आरजेडी के राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के ठिकानों पर पड़े। छापे राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के यहाँ भी पड़े। छापे आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के ठिकाने पर पड़े। छापे आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना पर पड़े। और छापे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणी के यहाँ भी पड़े। एक तरफ छापा पड़ा, दूसरी तरफ हंगामा बढ़ा। आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सीबीआई अच्छे से जानती है कि वो कहाँ हाथ लगा रही है। अब तेजस्वी बिहार में विपक्ष के नेता नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। फिर भी सीबीआई ने छापे मारे तो किस लिए? क्या सीबीआई को कोई सीक्रेट डिटेल मिली है? क्या वो सीक्रेट डिटेल राजनीति के नए खिलाड़ी तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा सकती है? क्या राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि ने ही तो नहीं सारे राज खोल दिए? आखिर जिस मामले में तेजस्वी एंड कंपनी के खिलाफ आज सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे पड़े, वो आरोप आपको हिला कर रख देंगे। ये आरोप लालू परिवार पर है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने नौकरी देने के लिए लोगों से जमीन ली थी। बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर हुई तो उसने इस मामले में रेशा दर रेशा उघार कर रख दिया। किसी भी दिन रेड होगा तो वो सवाल पैदा करेंगे, मंगलवार है तो क्यों मंगलवार किया? अरे भाई, इसको शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? और जिन लोगों पर रेड हो रही है वो तो कोई एमएलए है नहीं, उनको वोटिंग करना है, तो ये तो वो लोग हैं, कोई एमपी है, कोई विधान परिषद है, कोई विधान पूर्व विधान पार्षद है, इसका शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? पहले आप इस मामले को विस्तार से समझ लीजिए कि ये रेलवे भर्ती घोटाला है क्या। लालू यादव 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री रहे। लालू यादव पर आरोप है कि उनके राज में रेलवे में नौकरी के लिए जमीन ली गई थी। इस मामले में 18 मई 2022 को एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में सीबीआई के इंस्पेक्टर जयराज कटियार ने शिकायत दर्ज कराई थी। इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 17 लोग आरोपी बनाए गए थे। ये लोग तो अभ्यस्त लोग हैं। जब आरजेडी की सरकार थी बिहार में तो लालू जी को जेल जाना पड़ा था। उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी, ना बिहार में ना केंद्र में, उसमें तो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तो भी लालू जी को जेल जाना पड़ा। और नीतीश जी के सरकार में भी दर्जनों बार उनके यहाँ रेड हुआ। ये सारे वो लोग हैं जो मिलजुल कर लालू फैमिली का बिजनेस चलाते हैं। लालू यादव चारा घोटाले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। इत्तेफाक देखिए कि लालू यादव जिस वक्त चारा घोटाले में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, उसी दौरान रेलवे भर्ती घोटाला भी सामने आया। अब इसकी चपेट में लालू का परिवार आ गया है। डर गए हैं लोग, नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी हम लोग के साथ है, बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास। अब आप उस रेलवे भर्ती घोटाले की एबीसीडी समझिए जिसने आज बिहार की सरकार को अपना बहुमत साबित करने से पहले ही हिला कर रख दिया है। लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती की गई। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता,
जयपुर और हाजीपुर के लिए भर्ती की गई। इसमें आरोप है कि नौकरी के बदले में लालू और उनके परिवार के नाम पर लोगों की जमीन ट्रांसफर कराई गई। इनमें एक जमीन एके इन्फो सिस्टम के नाम पर ट्रांसफर की गई, जिसे 2014 में राबड़ी देवी और मीसा भारती ने खरीद लिया और वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन गई। लेकिन ये सवाल उछले तो लालू राबड़ी का परिवार तिलमिला उठा। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने दे दनादन ट्वीट छापकर समाजवाद से लेकर सामाजिक न्याय तक की दुहाई दे डाली। लेकिन विपक्ष को लगता है कि भ्रष्टाचार की आंच में नीतीश सरकार झुलस सकती है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात पाछे पछताता। अब वो घोटाला उजागर हुआ है तो इनको बौखलाहट हो गया है, सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया है। जो तमाचा लगा है तो फिर से अपने जमाइयों को आगे करेंगे, सीबीआई झूठ मूठ का झूठा केस बनाएंगे और ये चालू रहेगा। ये मेरा कैरेक्टर बर्बाद करने का परसेप्शन, इमेज जो है बर्बाद करने का इनका चलता रहेगा। भ्रष्टाचार के सवाल पर पड़े छापों के बीच सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे। 5 साल पहले इसी मुद्दे पर जब तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला बना तो तेजस्वी ये सफाई देते रहे कि भर्ती घोटाले के वक्त तो वो ठीक से जवान भी नहीं हुए थे। कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया, 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूंछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। लेकिन नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के सवाल पर ही तब महागठबंधन से रातों रात नाता तोड़ दिया था। कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। क्या 5 साल बाद भी नीतीश कुमार को वो महान आदर्श वाली बातें याद हैं या वो भूल गए? अब वो भूले हो या याद करें, लेकिन आज की छापेमारी ने नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हम लोग एकजुट होकर के चलेंगे और अपने बिहार में, और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की महागठबंधन वाली सरकार जिस धर्मनिरपेक्षता की डोर में बंधी थी, अब उसके ऊपर एक लेयर भ्रष्टाचार के आरोपों की पड़ गई है। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। ये जिस रेलवे नौकरी घोटाले में सीबीआई ने छापे पर छापे मारे, उसकी एफआईआर में कैसे लालू परिवार कटघरे में है, जरा इसको समझिए। पहला मामला, मतलब मामला नंबर 1, जमीन बेचने वाले स्वर्गीय किशन देव राय, ट्रांसफर हुई राबड़ी देवी के नाम, नौकरी मिली किशन देव राय के परिवार के 3 सदस्यों। दूसरा मामला जिसमें जमीन बेचने वाले संजय रॉय, धर्मेंद्र रॉय, रविंद्र रॉय, जमीन ट्रांसफर हुई राबड़ी देवी के नाम, नौकरी दी गई इनके बेटे। तीसरा मामला जो सामने आया उसमें जमीन बेचने वाली किरण देवी, ट्रांसफर सीधे लालू राबड़ी की बड़ी बेटी मीसा भारती को हुई जमीन और नौकरी उनके बेटे को मिली। चौथा मामला जो सामने आया है उसमें जमीन बेचने वाले का नाम हजारी राय, ट्रांसफर हुआ एके इन्फो सिस्टम को और नौकरी जो है, माफ कीजिएगा, वो इनके 2 भांजों को दी गई। जो 5वां मामला सामने आया उसमें जमीन बेचने वाले स्वर्गीय लाल बाबू राय, ट्रांसफर जमीन हुई राबड़ी देवी के नाम और नौकरी उनके बेटे को मिली। 6ठा मामला जमीन बेचने वाले ब्रज नंदन रॉय, ट्रांसफर हृदयानंद चौधरी को हुई, जो बाद में गिफ्ट के तौर पर चौधरी ने लालू की बेटी हेमा यादव को दे दी। ऐसे ही 7वां जो मामला आया सामने उसमें जमीन बेचने वाले बिशुन देवी राय, ट्रांसफर ललन चौधरी को, ये भी बाद में गिफ्ट के जरिए लालू की बेटी हेमा यादव को दे दी गई जमीन। यहां नौकरी जो है वो बिशुन देवी के पोते पिंटू कुमार को दी गई। तो बिहार में सीबीआई की छापेमारी है तो एक सीबीआई की छापेमारी दिल्ली में भी लगातार सुर्खियों में है। पिछले हफ्ते आप जानते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा था। नई शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया सीबीआई के शिकंजे में हैं। इस पर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं बीजेपी उनको तोड़ना चाहती थी, वो नहीं टूटे इसीलिए सीबीआई उनके पीछे लगा दी है। आज आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों ने भी आरोप लगा दिया कि बीजेपी उनको 20-20 करोड़ रुपए देकर पार्टी तोड़ने का ऑफर दे रही है। लेकिन किस बीजेपी नेता ने संपर्क किया, इस पर आम आदमी पार्टी ने चुप्पी ओढ़ रखी है। तो सवाल ये
कि आम आदमी पार्टी की सच्चाई आखिर क्या है या ये तमाम आरोप सिर्फ और सिर्फ शगुफा है, इसको समझने के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक बेहद चौंकाने और बड़ी सियासी साजिश का दावा करने वाला खुलासा आम आदमी पार्टी ने किया है। शराब पर दिल्ली की सियासत लगातार झूम ही रही थी कि आपके नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर ऐसा आरोप लगाया है कि दिल्ली की राजनीति अब चकर घिन्नी हो गई है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने के लिए 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। संजय सिंह के साथ वो चारों विधायक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिनका आरोप है कि उन्हें 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश बीजेपी ने की। ये विधायक हैं संजीव झा, अजय दत्त, सोमनाथ भारती और कुलदीप कुमार। इन विधायकों के आरोपों को एक के बाद एक सुनते जाइए। इनका पहला आरोप ये है कि इन्हें बीजेपी की तरफ से पार्टी तोड़ने के लिए 20 करोड़ रुपए का ऑफर मिला। अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है, जिस वक्त चाहोगे राजी हो जाओगे, पहुंच जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होते हैं तो 20 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। हमारे साथ आते हो तो आपके 20 करोड़ रुपए का ऑफर है। इनका दूसरा आरोप यह है कि बीजेपी की तरफ से दूसरे विधायकों को तोड़ने पर कीमत बढ़ाई गई, यानी तब 20 करोड़ दूसरे विधायकों को और इन विधायकों को 25 करोड़। कि चूंकि आप पुराने विधायक हैं, आपके रिश्ते बाकी विधायक से अच्छे हैं, तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो और विधायकों को अगर लेकर के आओगे तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। और आपके संपर्क में जो भी साथी विधायक हैं जिनको आप ला सकते हैं, अगर उनको भी आप लेकर आते हैं तो 20-20 करोड़ रुपए उनको और 25 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। इनका तीसरा आरोप है कि संपर्क करने वाले बीजेपी नेता के मुताबिक करीब एक तिहाई आप विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। और मैं क्या, उसने ये भी कहा कि आपके 15-20 विधायक संपर्क में हैं, तो आप तैयार हो ना हो सरकार तो नहीं आपकी रहने वाली। इनका चौथा आरोप यह है कि अगर इन्होंने बीजेपी का ऑफर नहीं माना तो इनका हाल मनीष सिसोदिया वाला किया जाएगा। और हमने कहा कि अगर मैंने मना किया तो कहा कि उदाहरण आपके सामने है कि जो कुछ भी मनीष सिसोदिया के साथ हुआ एक एक विधायक के साथ ऐसा ही होगा। और मैं क्या, उसने ये भी कहा कि आपके 15-20 विधायक संपर्क में हैं, तो आप तैयार हो ना हो सरकार तो नहीं आपकी रहने वाली। अगर आप नहीं आते हैं तो आपके साथ भी जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो लोग वही करेंगे जो मनीष सिसोदिया जी के साथ किया है।
मैंने कहा अगर नहीं आएंगे तो उन्होंने कहा भाई जैसा मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है ऐसी सीबीआई के और बहुत सारी एजेंसीज के केस में आपको फंसा दिया जाएगा। यह आरोप बेहद संगीन है, लेकिन इन आरोपों पर कई सवाल भी मंडरा रहे हैं। आपके चार चार विधायकों को तोड़ने के लिए डील बीजेपी का कौन नेता कर रहा था? क्या चारों विधायकों से एक ही नेता ने संपर्क किया था या अलग अलग नेताओं ने? सवाल नंबर 3, 20 करोड़ वाला ऑफर कब आया? सवाल नंबर 4, ये डील कहां हो रही थी? सवाल नंबर 5, बीजेपी के उस नेता से क्या आप विधायकों का मिलना जुलना पहले से था? सवाल नंबर 6, इन चार विधायकों पर आपके कितने विधायकों को तोड़ने का दबाव बनाया गया? सवाल नंबर 7, बीजेपी के जिस नेता का स्टिंग ऑपरेशन किया गया है उसको जग जाहिर क्यों नहीं करते? इन 7 सवालों की 7.5 ऐसी है कि आम आदमी पार्टी इन पे होंठ दबा लेती है। इस डील को लेकर पहला लोचा ये सामने आता है कि आप डील वाले बीजेपी नेता का नाम क्यों नहीं बता रहे। इसे ही आधार बनाकर बीजेपी कह रही है कि भैया नाम तो बता दो। बीजेपी का जवाब है कि ये सब शराब वाले घोटाले से अपना चेहरा बचाने की आपकी चाल है। कि मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया या नहीं किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी जो सटीक और पॉइंटेड प्रश्न पूछ रही है उसका उत्तर देने में असक्षम है आज आम आदमी पार्टी। अब आज वाले आपके खुलासे से इस कथित डील का लोचा नंबर 2 भी सामने आता है। आज आप सांसद संजय सिंह और उनके 4 विधायकों ने 20 करोड़ के ऑफर का आरोप लगाया, केस कर दिए जाएंगे। लेकिन अब आप एक दिन पहले चलिए यानी मंगलवार को और संजय सिंह की जगह सौरभ भारद्वाज को सुनिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का लालच दे रही है। लेकिन आज सौरभ भारद्वाज ने भी एक दिन के अंतर पर डील का दाम 15 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आम आदमी पार्टी के पास फोन आ रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आम आदमी के विधायकों को दिए जा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर है। कहा जा रहा है 35 विधायक हमारे संपर्क में है, हम 35 विधायक खरीदेंगे। 20 करोड़ के हिसाब से 700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है कैश में। इसी बयान से कथित डील पर सवाल उठता है। सवाल ये है कि ऑफर 5 करोड़ का था या 20 करोड़ का? आखिर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? ऐसा चमत्कार कैसे हो गया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की कीमत पार्टी तोड़ने के लिए रातों रात 4 गुना बढ़ गई? दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि शराब के घोटाले वाला पैसा आपके सिर चढ़कर बोल रहा है। पंजाब के चुनाव के समय मोटे माल की आवश्यकता थी, जिसने मोटा माल दिया इस रिपोर्ट को दरकिनार करके मोटा माल जेब में और वेंड्स अर्थात जो दुकानें होती हैं, जो शराब की दुकानें होती हैं, वो कार्टेल के पास। अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी का यह आरोप सच्चाई है या शिगुफा? क्या वाकई बीजेपी आपको तोड़ना चाहती है या शराब वाले मामले से ध्यान भटकाने के लिए आप ऐसा कर रही है? क्या अपनी पार्टी की छवि बचाने के लिए केजरीवाल ये सब कर रहे हैं? क्या मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए आपने ये आरोप लगाया है? आम आदमी पार्टी को लगता है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। कुछ टीवी वाले तो चला रहे होंगे, वो देख रहे होंगे वहाँ पे बैठ के। तो मैं सोच रहा था कि अभी सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ही गिरफ्तार कर लेंगे इनको। आपके जिन 4 विधायकों ने बीजेपी पर 20 करोड़ के ऑफर वाला आरोप लगाया है उनमें से 3 के खिलाफ मामले चल रहे हैं। सोमनाथ भारती के खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें महिला से छेड़छाड़ और पत्नी से मारपीट के मामले हैं। वो कई बार जेल भी जा चुके हैं। वहीं संजीव झा पर भीड़ को उकसाने और पुलिस से हिंसक झड़प का आरोप है। संजीव झा पर मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश से मारपीट का भी आरोप था। यही आरोप अजय दत्त पर भी था
जिसमें स्पेशल कोर्ट से संजीव झा और अजय दत्त बरी हो गए। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली थी, उसी आंदोलन की लहर पर 2013 में आपने दिल्ली में 28 सीटें जीत ली थी। उस जीत के बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है। आज सीबीआई और ईडी के छापों का दिन रहा। बिहार में सीबीआई के छापे पड़े, झारखंड में ईडी के। जहां बात ईडी के छापे से कहीं आगे तब बढ़ गई जब ईडी ने एक प्राइवेट पर्सन के घर पर जब छापा मारा तो उसे दो AK-47 राइफल्स वहां से मिली। सवाल यह है कि किसी के घर में दो AK-47 राइफल्स होने के पीछे आखिर क्या रहस्य है, ये साजिश है क्या? इसी को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए आप। ये किसी आतंकवादी ठिकाने की तस्वीर है, न कश्मीर में किसी आतंकवादी के घर की। अलमारी के एक शेल्फ में एक AK-47 राइफल और दूसरे शेल्फ में दूसरी AK-47 राइफल। ये दो AK-47 राइफल झारखंड की राजधानी रांची में एक घर से मिली। यहाँ ईडी ने छापा मारा था अवैध खनन के मामले में, लेकिन छापे में मिली AK-47। बीजेपी इस बात को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर सीधी चोट कर रही है। AK-47 यदि आप खुलेआम घर में रखते हैं और कोई पुलिस आपको जांच नहीं करती, ऊपर से आपको बॉडीगार्ड मिला हुआ है, तो आप क्या कहिएगा कि पुलिस के संरक्षण में ये सारी बातें हो रही है? तो इसका मतलब ये है ना कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो है ये आतंकवादी गतिविधियां चल रही है। रांची जैसी शांतिप्रिय जगह में AK-47 पाए जाने की खबर से खलबली मच गई। अब सवाल है कि कोई शख्स AK-47 क्यों रखेगा? क्या प्रेम प्रकाश किसी घातक साजिश में लगा हुआ था? क्या प्रेम प्रकाश को झारखंड पुलिस का संरक्षण मिला हुआ था? क्या अवैध खनन मामले में गैंग वॉर इतना बड़ा हो गया है कि AK-47 जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था? क्या ईडी के छापे नहीं पड़े होते तो झारखंड में कोई बड़ी वारदात हो सकती थी? लेकिन इन सवालों का जवाब फिलहाल झारखंड पुलिस के पास नहीं है। पता चला हमारे जो है हमारे पुलिस केंद्र का हथियार है। अच्छा, तो क्या सर कोई भी ऐसे प्राइवेट रख सकता है क्या? ये जांच का विषय है। इन सवालों के बीच ही आज झारखंड में 17 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी का पुराना दस्तूर है कि विपक्षी पार्टियों को परेशान करे, वही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनके दफ्तर तक, उनके घर तक ईडी नहीं पहुंचती, तो ये लोग करते रहे, जनता सब कुछ देख रही है। ईडी को प्रेम प्रकाश के रूप में कितनी सटीक जानकारी रही होगी कि उसने सासाराम में उसके पुश्तैनी घर पर भी छापेमारी की। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला जो सामने आया, उसी मामले में सीबीआई की जो छापेमारी आज हुई है। अब खबर ये सामने आ रही है कि करीब 200 और जमीनें और प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी जानकारी सीबीआई के हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी नेताओं पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इस छापे में 200 और जमीनों और प्रॉपर्टीज के कागजात मिले हैं सीबीआई को। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मतलब मनोज, सीबीआई को जिस तरीके से और दस्तावेजों की बरामदगी हुई है, घोटाले का दायरा और बड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए रोमाना, जिस तरीके से लगातार आज दिन भर सीबीआई की रेड हुई और उस रेड में अब सीबीआई को 200 से ज्यादा और सेल डीड छापे के दौरान बरामद हुई है। आपको बता दूं कि जिस वक्त सीबीआई ने इस मामले की FIR दर्ज की थी 18 मई 2022 को, उस वक्त 7 प्रॉपर्टी की डीड, 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड सीबीआई को मिली थी। लेकिन आज की सत्र के दौरान काफी ज्यादा जो है सेल डीड सीबीआई को मिली है, 200 से ज्यादा सेल डीड मिली है। इसके अलावा कुछ जगहों पर सर्च के दौरान भारी रकम कैश भी मिला है, जिसकी गिनती अभी चल रही है। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि उस रकम की गिनती चल रही है। और जो गुरुग्राम में जो आज सर्च ऑपरेशन हुआ था सेक्टर 71 में, जो वाइल्डलैंड प्राइवेट लिमिटेड है, वहां पर जो जानकारी मिली है कि उसके तेजस्वी यादव के उसमें कुछ शेयर है और जो उनके कुछ जानकार हैं उनके भी शेयर हैं। तो ये सारी जानकारी सूत्रों से। लेकिन तेजस्वी यादव तो काफी आक्रामक मुद्रा में आज नजर आ रहे थे। वो तो कह रहे थे कि गुरुग्राम के किसी मॉल से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है और वो बाकायदा कागजात लेकर मीडिया के सामने आए हुए थे।
जी बिल्कुल, देखिए जो भी जानकारी है सीबीआई के सूत्रों के हवाले से, सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो सर्च ऑपरेशन है वो इसी मामले को लेकर के चलाया गया था, और सीबीआई के पास यही जानकारी है कि तेजस्वी यादव के जो मॉल है उस मॉल के अंदर शेयर हैं, इसके अलावा जो उनके कुछ करीबी हैं उनके भी शेयर हैं। तो तमाम दस्तावेज सीबीआई ने मॉल से भी, और जो मॉल की एक मॉल का जो कॉरपोरेट ऑफिस व्हाइटलैंड का, वहां से भी तमाम दस्तावेज सीबीआई ने लिए हैं, जिनको अब खंगाला जा रहा है। और जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अब लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं पूरे मामले में आगे बढ़ने वाली हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, 200 के आसपास नए सेल डीड के कागजात जो सीबीआई के हाथ लगे हैं। अगली खबर कुदरत के कहर से जुड़ी, जिसने पहाड़ों से लेकर मैदान तक सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई। जी बारिश की बात कर रही हूं मैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर तरफ तस्वीर एक जैसी है, हर तरफ बारिश की ही आफत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बाढ़ का कहर है, लोग फंसे हुए हैं, फसलें तहस नहस हो गई हैं, जिंदगी मानो थम सी गई। कुदरत ने जैसे जल कर्फ्यू लगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पानी, पानी और बस पानी, जिंदगी देने वाले इस जल से आफत में फंसी है जान। बैठो बाबा, बैठो आराम, बैठो आराम, बैठो। ये तेज रफ्तार लहरों का शोर कह रहा है कि थम जाओ। लहरों के प्रचंड वेग के आगे जमे रहना नामुमकिन है, चाहे वो जान हो या मकान। जो जहां है वहीं रुका है, क्योंकि आधे हिंदुस्तान में लगा है जल कर्फ्यू। ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं, वो राजस्थान जिसे सूखा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन कुदरत इस बार उल्टी चाल से चल रही है। तस्वीर जालौर की है, पहले आप पानी की रफ्तार देखिए। ये कोई बांध नहीं है, ये सुधा माता मंदिर का हिस्सा है, जिसके हर रास्ते से पानी गुजर रहा है, वो भी ऐसे जैसे अभी अभी बांध तोड़ कर आया हो। पानी इतना ज्यादा है कि यात्रियों से सुरक्षित जगहों पर जाने का अनाउंसमेंट हो रहा है। इतनी तेज रफ्तार लहरें कि इसकी जद में एक गाय आई तो फिर पूरी ताकत लगाकर भी लौट नहीं सकी। वो बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन जिद्दी लहरों के आगे उसकी एक नहीं चल रही। तस्वीरों में आपको यहाँ दुकानें खुली हुई नजर आ रही होंगी, इन्हीं दुकानों के आगे मानो नदी बह रही है। सोचिए कि ये खतरा कितना बड़ा है। जालौर में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते रोपसी नदी में दो युवक बह गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू टीम ने बचाया। नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सुधा माता मंदिर के परिसर में 5 फीट तक पानी भरा है, आने जाने के कई रास्ते बंद हो गए हैं। इस आलम में कई लोग फंसे हुए हैं। पानी में फंसे इस ट्रक को देखिए, इसने निकलने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते पर इतना पानी है कि ये वहीं अटक गया, और फिर लहरें इसे बहा ले गईं। हर तरफ इतना पानी कि लोग रस्सी के सहारे लाइन बनाकर सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। राजस्थान के बारा की ये तस्वीर देखिए। बारा के सिसावली कस्बे में बरसरी नदी का पानी आने से कई बस्तियां जलमग्न हैं। लोग टायरों के सहारे अपने परिवार को लेकर बाहर निकल रहे हैं,
इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। उदयपुर का हाल भी बहुत बेहतर नहीं है। देखिए कल से हो रही बारिश का असर, इतना पानी है कि पोर्टा केबिन तक पानी की रफ्तार में बह गया। उदयपुर शहर में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब देखिए उस प्रदेश का हाल जिसमें पिछले कुछ दिनों से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। जी हां, मध्य प्रदेश, जहां के गुना में लहरों की ताकत ने पुल को हिला दिया। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद इस आवाज को सुनिए। पार्वती नदी इतने वेग से आगरा मुंबई हाईवे पर बने इस पुल से टकरा रही है कि मानो इसे अपने साथ बहा ले जाएगी। लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो अपने वाहनों के साथ इस पर से गुजर जाएं, लिहाजा पैदल ही इसे पार कर रहे हैं। इस पुल पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और अब बारी आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल, तेजस्वी यादव समेत आरजेडी नेताओं पर सीबीआई छापे से क्या नीतीश सरकार का चलना मुश्किल हो सकता है? जवाब आपकी राय के तौर पर सामने है। 52% लोगों का मानना है हाँ, नीतीश सरकार का चलना मुश्किल हो सकता है। 48% ने ना में जवाब दिया है। इंडिया चाहता है मैं, मुझे इजाजत दीजिए, कल रात 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।